सोनगढ़ नगर में गुनाखोरी पर बाज नजर राखवा माटे अने कायदो व्यवस्था की परिस्थिति जलवाई रहे ते माटे नगरपालिका विरोध पक्ष नेता योगेश मराठे नगर बस स्टेन्ड तेमज चौक जेवा जाहेर स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाड़वानी मांगणी करी छे। सोनगढ़ नगरपालिका विरोध पक्ष नेता योगेश मराठे राज्य गृहमंत्री हर्ष संघवी और तापी जिला कलेक्टर ने लिखित में पत्र पाठवी सोनगढ़ नगर में जाहिर स्थलों पर लगावामां आवेल सीसीटीवी कैमरा केटलाक महीनाओथी बंद कर्या छे। आ कैमरा स्थाने अद्यतन सीसीटीवी कैमरा में लगाड़वामां आवे तेवी मांगणी करवामां आवी छे। नमस्कार, मारू नाम योगेश मराठा, सोनगढ़ नगरपालिका विरोध पक्ष नेता। योगेश भाई, तमे राज्य गृहमंत्री ने शू रजूआत करी? राज्य गृहमंत्री ने अमे सोनगढ़ नगर नी अंदर जाहिर स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगावा माटे नी मांगणी करवामां आवेल छे। एनी साथे साथे कलेक्टर श्री, पोलीस अधीक्षक श्री, प्रांत अधिकारी श्री, सोनगढ़ मामलतदार श्री, सोनगढ़ नगरपालिका चीफ ऑफिसर श्री और सोनगढ़ पुलिस स्टेशन ने पण आ मांगणी करवामां आवेल छे। सोनगढ़ नगर जे छे ए सोनगढ़ तालुकानो मुख्य वडु मथक आवेलू छे अने आ बॉर्डर विस्तार पर आवेलो एक छेवाड़ानो विस्तार छे। जेथी करीने नगरनी अंदर अनिच्छनीय बनाव बनता होय छे, चोरीना, अकस्मातोना, रस्ता उपर मारामारीना के छेड़तीना पण बनाव बनता होय छे। जेथी करीने जाहिर स्थळो पर आ कैमेरा लगाववामां आवे तो पुलिस ने पण आमां पृथ्थकरण करवामां एक सगवड़ता ऊभी थाय, एना माटे अमे आ मांगणी करी छे। आ मांगणी तमारी संतोषाय तो नगर ने शू फायदो थशे? नगरनी अंदर घणी बधी भूतकाळनी अंदर जोवा जोईए तो घणी बधी घटनाओ बनी छे, जेवा के एटीएम नी अंदर अवारनवार चोरीओ, नगरमां वेपारी वर्गना ता पण चोरीओ, पछी रस्ता उपर जाहेरमां मारामारीओ, छेड़तीना बनावो पण बनता होय छे। जेथी करीने आ जो सीसीटीवी कैमरा जो लगाववामां आवे तो एना लीधे जे गुनाहित प्रवृत्તિ છે એ ઘટશે, 100% ઘટશે। જી યોગેશભાઈ, ધન્યવાદ। હા, વિરોધ પક્ષના નેતા યોગેશભાઈ મરાઠે દ્વારા સોનગઢ નગરપાલિકામાં આ અરજી અમને આપવામાં આવેલી છે અને આ માટે અમે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે સંકલન કરી અને સીસીટીવીની વ્યવસ્થા કરવા માટે અમે સંપૂર્ણ ફાળો આપવા માટે જાણ કરી છે। મેડમ, આપને શું લાગે છે સીસીટીવી કેમેરા મૂકવાથી પ્રજાને ફાયદો થાય ખરો? હા, સોનગઢ તાલુકો ખૂબ મોટો તાલુકો છે અને નગરમાં પણ ભીડભાડવાળા વિસ્તારો ઘણા જોવા મળે છે અને આ જગ્યાઓમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ થવાનો પણ ભય હોય છે, તેથી સીસીટીવી એક તીસરી આંખ તરીકે કામ કરે છે એ લોકોને આ બાબતે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ સહકાર મળી રહે અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ પણ થતી અટકે। જી મેડમ, ધન્યવાદ।